हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। बिग बॉस में सिलसिला शुरू होने वाला है जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का, और मेकर्स बिग बॉस सीजन 13 को रोमांचक बनाने के लिए जल्द ही 3 वाइल्ड कार्ड्स को घर के अंदर भेजने वाले हैं। खैर, लगातार ही ऐलान होते हुए आ रहे हैं अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के। तो भाई आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाऊ और तहसीन पूनावाला के अलावा सलमान खान ने इंट्रोड्यूस किया खेसारी लाल यादव को भी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव घर के अंदर जल्द ही जाने वाले हैं। हमने आपको इस बात की जानकारी दी ही थी कि वाइल्ड कार्ड के तौर पर खेसारी लाल यादव की एंट्री होने वाली है। तो भाई इस बात से भी पर्दा अब उठ चुका है क्योंकि सलमान खान ने खुद खेसारी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस शो में खेसारी ने सलमान के सामने धमाकेदार एंट्री की है और सलमान ने भी उनका स्टेज पर काफ़ी अच्छे से स्वागत किया। बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस हफ्ते घर वालों को जबरदस्त झटका मिलने वाला है। इस हफ्ते 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर वालों का सामना होगा और अब शो को देखने के मजे भी दोगुने होने वाले हैं। खैर, इन सब के अलावा वीकेंड के बार में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का वेलकम सलमान ने भोजपुरी सिनेमा के अवार्ड विनिंग सुपरस्टार कहकर किया। और तो और, खेसारी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सलमान की फिल्मों के डायलॉग्स को भोजपुरी में कहलवाया। खैर, यहाँ पर एक अलग साइड भी खेसारी लाल यादव की देखने को मिली। लोगों को पता लगा कि खेसारी थोड़े से अंग्रेजी में कच्चे हैं, यानी कि इंग्लिश ढंग से समझ नहीं पाते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर तो खैर हिंदी ही चलती है, तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि खेसारी को इंग्लिश समझ में ढंग से आती है या फिर नहीं, लेकिन ये साइड भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। खैर, दिवाली के इस त्यौहार पर सलमान ने सभी घर वालों को एक ये भी तोहफा दिया कि कोई भी सदस्य घर से बेघर नहीं हुआ, लेकिन अब जल्द ही घर से बेघर होंगे कई सारे कंटेस्टेंट्स और घर में एंट्री मारने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। खैर, आप कितना खुश हैं खेसारी की एंट्री को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।